दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग सेंटर में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एफनेसी टेस्ट के बारे में। एफनेसी के बारे में आज हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। एफनेसी का पूरा नाम फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी है। इस टेस्ट की खोज अमेरिका के वैज्ञानिक मिलर ने किया था। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम एक थिन बोन नीडल का प्रयोग करके ऑर्गन में इंजेक्ट करते हैं और सेल यानी कोशिका की छोटी सी मात्रा इससे अलग कर लिया जाता है। इसके बाद इसे माइक्रोस्कोप की सहायता से कैंसर, इन्फेक्शन या अन्य प्रकार की बीमारियों को देखते हैं। अब हम जानते हैं कि एफनेसी कहां कहां पर कर सकते हैं। एफनेसी सॉफ्ट टिश्यू मॉसेस एंड निम्फ नोड पर किया जाता है। एफनेसी ब्रेस्ट में भी गांठों को जांच करने के लिए किया जाता है। सैलोरी ग्लैंड में भी एफनेसी का प्रयोग करके इसका जांच किया जाता है। थायराइड ग्लैंड में गांठें हो जाती हैं या कोई सूजन हो जाता है तो हम एफनेसी के द्वारा इसका टेस्ट करते हैं। नेक अथवा एक्जिला में स्वेलिंग या गांठों की जांच हम एफनेसी के द्वारा करते हैं। किसी मरीज के इंट्रा एब्डोमिनल जैसे किडनी, लीवर के मासेस का एफनेसी अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन के गाइडेंस में किया जाता है। देखिए एफनेसी करते समय किन किन उपकरणों की आवश्यकता होती है। एफनेसी करते समय क्लीन ग्लव्स, स्लाइड, कॉटन सिरिंज, नीडल स्प्रिट, नीडल कटर और फ्रोजन होल्डर जैसे सिरिंज की आवश्यकता होती है। एफनेसी में मुख्यतः 22 से 23 गेज का नीडल यूज किया जाता है। अब हम जानते हैं कि एफनेसी किन टेक्निकों पर काम करता है। एफनेसी दो टेक्निक पर आधारित है, विथ एस्पिरेशन, विथआउट एस्पिरेशन। विथ एस्पिरेशन में सिरिंज और नीडल दोनों की आवश्यकता होती है। इस विधि में वैक्यूम फोर्स द्वारा सैंपल को एस्पायरेट करते हैं, जबकि विथआउट एस्पायरेशन में ओनली यूज नीडल यानी कि केवल नीडल का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में कैपिलरी एक्शन के द्वारा सैंपल एस्पायरेट करते हैं। अब हम एफनेसी के प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। सबसे पहले मरीज का अच्छी तरह से एग्जामिन किया जाता है। उसके बाद थायराइड नेडूल या अन्य मासेस को जहाँ पर एफनेसी करना होता है उसे अच्छी तरह से लोकलाइज करते हैं, यानी कि उसे सुनिश्चित करते हैं कि एफनेसी हमें किस भाग में करना है। उसके बाद उस सुनिश्चित स्थान के आसपास तथा उस सुनिश्चित स्थान के भाग को अच्छी तरह से एल्कोहल की सहायता से हमें क्लीन कर लेना चाहिए और अपने एक हाथ की उंगली से उसे मॉसेस टिश्यूज या थायराइड नेडूल को अच्छी तरह से पकड़ लेना चाहिए। अब इसके बाद स्वेलिंग एरिया में नीडल को इंट्रोड्यूस कराया जाता है और फिर नीडल को थोड़ा बैक में मूव कराया जाता है। अब हमें सिरिंज की सहायता से कुछ मटेरियल को एस्पायरेट कर लेना चाहिए। अब इस मटेरियल को हमें कवर स्लिप की सहायता से कम 4 या 5 स्लाइड बना लेनी चाहिए। एफनेसी में प्राप्त मटेरियल को स्मेयर बनाते समय स्प्रेडिंग 2 मेथड से किया जाता है। पहला मेथड डायरेक्ट, दूसरा मेथड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड में हम सैंपल को स्लाइड पर डायरेक्टली पोर कर देते हैं और फिर इसके बाद स्टेन के लिए तैयार कर लेते हैं। और इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले सैंपल को सेंट्रीफ्यूज कराते हैं और उसके प्राप्त सेडिमेंट वाले पार्ट का स्मेयर बनाते हैं। अब एफनेसी सैंपल से बने स्मेयर को स्पेशल स्टेन के द्वारा स्टेन कराया जाता है और स्टेनिंग के बाद इसे माइक्रोस्कोपिक की सहायता से बीमारियों को देखा जाता है। अब हम बात करते हैं एफनेसी के एडवांटेज के बारे में। एफनेसी इजी, रिलायबल और सिंपल विधि है। एफनेसी जांच कराने के कुछ ही दिनों बाद रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि ये रैपिड डायग्नोसिस भी है। एफनेसी इजीली
रिपीटेबल है, यानी कि एफनेसी जांच करते समय किसी प्रकार की त्रुटि रह गई है तो इसे हम इजीली रिपीट कर सकते हैं। एफनेसी में सेम सेटिंग के द्वारा मल्टीपल साइट का एफनेसी किया जा सकता है। एफनेसी माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है, इसमें किसी भी प्रकार की एनेस्थेसिस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एफनेसी कराने से पहले हमें ये बात जरूर जान लेना चाहिए कि एफनेसी करने वाला डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट है या नहीं। दोस्तों, एफनेसी टेस्ट से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।